मीठे बच्चे, तो फिर से राजयोग सीख रहे हूँ। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुट का प्रूफ बनना है। गीत, रात के रहे। ओम रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यह तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात थोड़े ही है। मैं आत्मा, मेरे सम्मुख भगवान शिव बाबा, बुद्धि देख रही है, शिव बाबा मन अनुभव कर रहा है और इसके बच्चों को निश्चय है, बुद्धि में निश्चय। शिव बाबा की याद, मैं शिव बाबा का बच्चा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, एम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उद्देश्य देख रहे हैं, प्राप्ति क्या है अपने आप को बता रहे हैं, बुद्धि देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण उद्देश्य और प्राप्ति। नए आत्मा और बन रहे हैं देवता, अपने आप को देख रहे हैं मनुष्य से देवता। 5000 वर्ष का चक्र राजयोग, संगम योग, ब्रह्मा तन्मय भगवान शिव बाबा, शिव बाबा के साथ योग, राजाई की प्राप्ति, मैं फिर से देवता, स्वयं भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात थोड़ी ही है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक है। इससे सीखा होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए,
बाप खुद कहते हैं, हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हैं। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना, तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर था, तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। नए आत्मा बैठे हैं पाठशाला, गीता पाठशाला, मेरे सम्मुख ब्रह्मा तन्य भगवान शिव बाबा, बुद्धि देख रही है मेरी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण, तो बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण, अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। एक राज्य था, सारे विश्व पर मेरा राज्य, मेरी राजाई, तो मैं आत्मा सामने बैठे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप को कैसे पहचाना जाए। पहचान रहे हैं बाप को, खुद सामने बैठे हैं, बुद्धि देख रही है बाप क्रिएटर के रूप में, रचिता के रूप में। मैं आत्मा स्वयं भगवान क्रिएटर रचता शिव बाबा, बुद्धि का योग बाप के साथ राजयोग, और मिल रही है राजाई। मैं लक्ष्मी नारायण, मेरा राज्य विश्व पर राज्य। इस पाठशाला में पूरे जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, यह वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं, उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए, माता पिता मित्र संबंधी जो भी हैं, उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम की है सहज ज्ञान, सहज राज्य। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सकें। ये तो बहुत उच्च पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है, सर्व गुण संपन्न। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक, पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं, यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलिशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा सा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है, उनको यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण है,
लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 25,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डायनेस्टी मशहूर है, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डायनेस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजा ही प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थी। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। नई आत्मा बुद्धि देख रही है पतित दुनिया, तो नई आत्मा संगम युग का समय मेरे सम्मुख ब्रह्मात्मा निराकार परम पिता परमात्मा क्रिएटर रचता भगवान शिव बाबा अनुभव कर रहे हैं। शिव बाबा की याद राजयोग का अनुभव देख रहे हैं। स्कूल गीता पाठशाला बुद्धि का योग बाप के साथ बुद्धि में निश्चय बाप के साथ योग और मिल रही है राजाई। मन बुद्धि में सहज ज्ञान सहज योग एक सेकंड में ज्ञान में मिला, एक सेकंड में बाप के साथ योग और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मैं मनुष्य से देवता जीवन मुक्त स्थिति सर्वगुण संपन्न अमर लोक पावन दुनिया दैवी दुनिया मैं पवित्र आत्मा लक्ष्मी नारायण मेरा पवित्र राज्य मैं आत्मा देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण आलीशान मंदिर राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण। मैं सूर्यवंशी मेरी डायनेस्टी मेरा राज्य। अभी कलयुग का अंत है, समय देख रहे हैं कलयुग का अंत। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजा ही प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थी। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहराना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़ेगी, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, वही लिबरेटर गाइड ब्लिसफुल गॉडफादर सर्व का दुख हरता सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। नई आत्मा समझा रहे हैं अपने आप को, अन्य आत्माओं को देख रहे हैं। मेरे सम्मुख शिव बाबा निराकार परमपिता परमात्मा भगवान
रचयिता, क्रिएटर, ब्रह्मा तन्मय, लिबरेटर अनुभव कर रहे हैं, समस्त आत्मा को लिबरेट करते हुए गाइड, ब्लिसफुल, ब्लिस का अनुभव, आनंद का अनुभव, गॉड फादर, सर्व का दुख हरता अनुभव कर रहे हैं, मैं बाप के समान सर्व का दुख हरता, विश्व की समस्त आत्माओं का दुख हरते हुए विश्व की समस्त आत्माओं को सुख का अनुभव कराते हुए मुझसे गलती सुख की तरंगे चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा बाप के समान लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, सर्व का दुख हरता सुख करता, शिव बाबा की तरह मैं आत्मा। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो, वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान वाच जरूर किस तन में आएगा ना, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे। यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं भगवान वर्ष, मैं तुमको फिर से राजा का राजा बनाता हूँ। अक्षय तो परम्पर गीता में है, राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ, अभी रावण राज्य पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडित, ये रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडित थक मत जाना। बाप कहते हैं ना गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, मैं भी भगवान हूँ आज। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ये निराकार, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा, परोपर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे, डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उनके तो डायनेस्टी चलती है, यह भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना। मैं कहाँ से सीखा, अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए, सिर्फ यही सीखा क्या, और सब चीले कहाँ गए। यहाँ तो है ही भगवान वाच, उसने यह राज समझाया है। यह चित्र कैसे बैग निकलवाए हैं, लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण के गीता का भगवान कहते हैं। मैं कल्प 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 के संगम युग कर आता हूँ,
प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम ठीक कहते हो, हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो नहीं हुए, बाप बैठ समझाते हैं, इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। यह करते करते तुम्हारी कला उतरती गई है, अभी तो कोई कला नहीं रही है। बाप कहते हैं, भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, और जरूर किसने आया होगा। भगत पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, यह तो शोभता नहीं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम पर, इस बोट ब्रह्मा में मैं फिट होता हूँ, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, गीता का भगवान कौन? यह बड़ी जरूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग को बनाने वाला कौन? बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। नए आत्मा शिव दाता के साथ योग योग अग्नि का अनुभव, योग अग्नि विकर्म विनाश, जितने भी विकर्म है, त्रेसठ जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं। नए आत्मा योग अग्नि में पावन आत्मा अनुभव कर रहे हैं। नए आत्मा मेरे सम्मुख लॉन्ग बोट ब्रह्मा में मेरा आकार परम पिता परम आत्मा शिव बाबा भगवान क्रिएटर रचयिता लिबरेटर गाइड ब्लिसफुल दुखहर्ता सुखकर्ता। नई आत्मा शिव बाबा की याद, स्वयं भगवान मेरे सम्मुख बुद्धि में निश्चय चढ़ती कला, स्वयं गीता का भगवान और मैं आत्मा बुद्धि देख रही है संगम युग पर एक और पुरानी दुनिया का विनाश। प्रलय की तो बात ही नहीं, देख रहे हैं पुरानी दुनिया अंत का समय और छा रहे हैं नई दुनिया। तो शिव जयंती का अनुभव और मैं लक्ष्मी नारायण नेम ऑब्जेक्ट बचपन में राधे कृष्ण सतयुग स्वर्ग सुख का अनुभव पवित्रता का अनुभव मेरा राज्य। मैं लक्ष्मी नारायण सारे विश्व पर मेरा राज्य। तो मैं आत्मा अनुभव कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है,
जो कल तो पहले ब्राह्मण बने होंगे मगर ही बनेंगे, यह कलम पाप के सिवाय कोई लगा न सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है, चोटी के ऊपर शिव से दिखाते हैं, उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते थे विष्णु के रूप में, यह नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई यह नॉलेज नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्राय है, लोप हो जाते हैं, परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दे। स्वदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव का ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं, यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना न हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, गुड गुड कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब पापा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए है पुराना शरीर छोड़ जाए, फिर 21 जन्म गुटका खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटका बिल्कुल नहीं खाना है। पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। मैं आत्मा शिव बाबा की याद बुद्धि देख रही है, शिव बाबा मन अनुभव कर रहा है राजयोग, तो खुशी खुशी से शरीर छोड़ रहे हैं। बुद्धि देख रही है अंत का समय, नई आत्मा हर्षित आत्मा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, शिव पापा की याद स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। मन बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, बुद्धि देख रही है स्वदर्शन चक्र फिर रहा है। नई आत्मा कमल पुष्प समान शंख ध्वनि करते हुए अनुभव कर रहे हैं, शंख ध्वनि सारे विश्व में फैल रही है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी निराकार देवी देवता अनुभव कर रहे हैं, मैं आत्मा खुशी खुशी से शरीर छोड़ रहे हैं सतयुग में, तो शरीर छोड़ते छोड़ते एक पाप की याद दूसरा ना कोई, खुद का बिल्कुल नहीं खाना है, बस एक पाप की याद में पुराना शरीर छोड़ रहे हैं, तो बहुत खुशी में रहना है। बाप के साथ वापस घर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है, फरिश्ता तो करना है।
आधा कद्दू गुटका खाते आए हैं। आप पापा के पास चाय खुशी से तैयारी करते हैं। गुटका प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है जब तक पाप ना आए। नए आत्मा सूक्ष्म वतन में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। मैं फरिश्ता, मेरे सम्मुख बाप दादा फरिश्ता, तो शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा बाप दादा की तरह नई आत्मा। तो बैठे बैठे शरीर छोड़ रहे हैं पाप की आत्मा। यह शरीर छोड़ती हुई नया आत्मा खुद का प्रूफ आत्मा। बस एक बाप की याद और याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं शिव बाबा के साथ। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर। काल कंटक दूर, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है। इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रहा भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। इस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में शरीर छूटे फिर गुटका नहीं आए। ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे। भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। नई आत्मा शिव बाबा की याद योग अपने कानक हो। विकर्म चल कर विनाश हो रहे हैं। नई आत्मा पावन आत्मा पवित्र आत्मा बुद्धि से देख रहे हैं शिव बाबा। और भोजन बाप की याद में अनुभव कर रहे हैं। शिव बाबा से मिलती ताकत मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे निकलती ताकत भोजन में समा रही है। भोजन को दृष्टि देते हुए खाते हुए नए आत्मा ताकत का अनुभव, तंदुरुस्ती का अनुभव। तो नए आत्मा शिव बाबा की याद में पका रहे हैं और शिव बाबा की याद में खाना खा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना है। बाप की याद में शरीर छूटे, शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस। बाप की याद में कोई खुटका नहीं आए तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो शिव बाबा की याद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। अंत का गायन है। अतीन्द्रिय सुख
गोप गोपियों से पूछो, झाड़ में शमशानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। मीठे मीठे चुकीले दे बच्चों को प्रेमात पिता बाप कथा का याद प्यार और कुटमानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बीच रूहानी बाप कथा को याद प्यार कुटमानी नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ एक, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रह कर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे, हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी। दो, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी हवा। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन आपके जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता के जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। मैं आत्मा ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा मेरा जन्म अलौकिक जन्म श्रेष्ठ जन्म। मैं आत्मा और आत्मिक रूप में स्थित अपने जन्म को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मेरा अलौकिक जन्म कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं आत्मा मेरा धर्म अनुभव कर रहे हैं। आत्मिक धर्म पवित्रता का अनुभव, शांति का अनुभव। धर्म में स्थित मैं आत्मा धर्म कितना श्रेष्ठ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा इस शरीर में प्रकृति के मध्य, तो इस शरीर द्वारा मेरे कर्म कर्मों को देख रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म। तो मैं आत्मा शरीर नहीं अलौकिक जन्म, मैं आत्मा मेरा जन्म भी श्रेष्ठ, मेरा धर्म भी श्रेष्ठ, मेरा कर्म भी श्रेष्ठ। हर कर्म जो इस शरीर से कर रहे हैं श्रेष्ठ कर्म,
क्योंकि मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर संकल्प श्रेष्ठ कोई साधारण संकल्प नहीं, इसलिए हर कर्म श्रेष्ठ कोई साधारण कर्म नहीं। श्रेष्ठता ही मेरी विशेषता है, हर संकल्प श्रेष्ठ हर कर्म श्रेष्ठ क्योंकि मैं आत्मा और एक बाप की याद। स्मृति में है स्वयं भगवान मेरा बाप, मैं भगवान का बच्चा, तो स्मृति नेचुरल है और इसलिए सारा दिन नेचुरल स्मृति में मैं आत्मा भगवान का बच्चा, मेरा श्रेष्ठ जन्म श्रेष्ठ धर्म हर कर्म श्रेष्ठ सहज पुरुषार्थी आत्मा, मैं आत्मा जीवन जीने की कला श्रेष्ठ कला, इसलिए साधारण कर्म कर नहीं सकती, साधारण संकल्प कर नहीं सकती, मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठता ही मेरे जीवन की विशेषता। तो मैं आत्मा विशेष आत्मा विशेष जीवन, और इसलिए नया जीवन देख रहे हैं, नया जन्म राज परिवार में, मैं राजकुमार राजकुमारी। तो आज मैं आत्मा सारा दिन विशेषता में, विशेषता मेरी नेचुरल नेचर, और इसलिए मैं सहज पुरुषार्थी। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाली मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा। ओम।